सर, 2 दिन से लगातार जो है सैटेलाइट मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि एआर साकिर ड्रग पेडलर जो है संबंध इदे अंदुटो डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन अल्ली बंदिदारे अंता इदे इस कुल के आपका क्या कहना है, यो क्या किस बेसिस पे आपको जो है ये एलिगेशन लगाया गया है? देखिए, एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीज़न मुझे एक नोटिस आई थी पुलिस डिपार्टमेंट से, डीजे हल्ली स्टेशन से, और ये केस जो 3 महीने पहले हुआ था उसके इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक नोटिस आई थी। तो मैं एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीज़न मैं वहाँ पे गया, जो ऑफिसर इंचार्ज थे केस से उनसे मैंने मुलाकात की, और उसके बाद जो भी क्लैरिफिकेशन वो चाह रहे थे मैं उनको दिया। क्लैरिफिकेशन बस इतना था कि जो अक्यूज़्ड वो केस में गिरफ्तार थे, एक अक्यूज़्ड के फ़ोन में मेरा जो पुराना नंबर 2.5 साल से जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, वो एक नंबर सेव उनके मोबाइल में था, और मेरे नाम से भी नहीं, कोई इसाख फ्रेंड जैसे नाम से सेव था। तो मैं उनको क्लैरिफिकेशन दिया कि ये नंबर जो मेरा पुराना नंबर है 1.5 साल से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे नाम पे ही है, आज भी वो मेरे नाम पे है, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस दूसरा जो मेरा 28127 नंबर है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो क्लैरिफिकेशन देने के बाद वो बोले बस यही हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए था सर, आप जा सकते हैं। तो मैं आ गया। जब मैं वहाँ से आ रहा था बाहर, तो पता नहीं कि कन्नड़ा न्यूज़ चैनल्स को किसने इतला दी, क्योंकि ये मसला ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और मैं बात भी नहीं करना चाह रहा था इस मसले पर। मैं निकल कर आ गया तो शाम में देखता हूँ कि कोई न्यूज़ चैनल, कन्नड़ा न्यूज़ चैनल एक स्टोरी कैरी कर दिया है कि मेरे पेडलर्स के साथ कुछ संबंध रहे, या मैसेजेस एक्सचेंज हुए। ना मैसेजेस एक्सचेंज हुए, ना मेरा कॉल उसे गया है, ना उसका कॉल मुझे आया, और ये कौन बंदा है मुझे खुद मालूम नहीं। तो जब एलिगेशंस कोई मेरे खिलाफ़ कड़ा न्यूज़ चैनल्स को एक साजिश के तहत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मैं हमारे जो भाई हैं यूट्यूबर्स उनको बुलाकर मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था, और वो क्लैरिफिकेशन मैं दे रहा हूँ। और जो न्यूज़ चैनल्स जिसने भी ये स्टोरी टेलीकास्ट की, मैं उनको एक नोटिस भी दिया हूँ। ओके, पहले तो एक लेटर भेज के हूँ मैं उनको, और एक्नॉलेजमेंट भी लिया हूँ कि आप ये बात को वाजे करें, क्लैरिफाई करें, नहीं तो लीगल एक्शन हम लेंगे घर कर। मैं एक लेटर भी भेजा हूँ, आई थिंक 1-2 दिन में क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगा। ना मुझसे पूछा ना पुलिस से पूछा उन लोगों ने। ओके, तो कोई आई थिंक पॉलिटिसाइज करने के लिए इशू, हाँ कोई मिस इन्फॉर्मेशन दिया है, और इसमें पुलिस की भी गलती नहीं है। देखिए, ये एक रूटीन एक्सरसाइज होता है पुलिस का कि ऐसे मामलों में जिनके भी जितने भी नंबर आते हैं, अभी मेरे 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 जो मोबाइल में 7-7.5 हज़ार कॉन्टैक्ट्स हैं, और मैं हर किसी का फ़ोन उठाता हूँ। ओके, अगर कॉन्टैक्ट में नंबर नहीं है तो मैं उनका फ़ोन उठाता हूँ, तो इसका मतलब नहीं कोई किसी के पास भी, सबके पास रहेगा। बेंगलुरु में मेरा नंबर 25,000-50,000 लोगों के पास भी रहेगा, तो इट डजेंट मीन दैट आई हैव एनी लिंक्स विद देम इफ दे हैव डन एनीथिंग रॉन्ग। तो इट वॉज रूटीन एक्सरसाइज बाई द पुलिस, एंड आई डोंट ब्लेम द पुलिस। ओके, और जो शरारत जो भी जिसने भी की है, क्या लगता है मैं इसने जो जो है इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश की होगी? मैं मेरे मुखालिफिन को बस इतना कहना चाहूँगा कि आप पॉलिटिक्स करें, अभी 2 महीने के अंदर पॉलिटिक्स बहुत बड़ी होने वाली है। अभी कर्नाटका का इलेक्शन होने वाला है, असेंबली का, अखाड़े में सब उतरेंगे, हम भी उतरेंगे, ठीक है, उस वक्त पॉलिटिक्स करें, पॉलिटिक्स से हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन जी पॉलिटिक्स जो है लोगों की खिदमत कर कर उनका दिल जीत कर की जाती है, जी इतना जी मतलब खामखा आरोप नहीं, लगाना? हाँ किसी के ऊपर कीचड़ उछालें आप, ओके, गलत बातें फैलाएं, ये सब बहुत गंदी पॉलिटिक्स है, और मैं ना उस वो पॉलिटिक्स का हिस्सेदार रहा हूँ ना रहूँगा। मेरी 22-23 साल की पॉलिटिक्स में मैंने कभी किसी के ख़िलाफ़ मैंने ऐसे कीचड़ उछाले हैं, ना कभी उछालूंगा, ये बहुत गलत बात हुई। तो इलेक्शंस को पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर आपको जो है टारगेट बनाया जा रहा है? जी, हो सकता है, हो सकता सर है। अकाड़े में उतरने की बात कही, कुछ इलेक्शन कहाँ इंशाल्लाह से, देखेंगे, अगर लोग चाहते हैं कि मैं इलेक्शन में उतरूं तो मैं ज़रूर कहाँ उतरूंगा। से कुछ उम्मीद है?
जहाँ से भी जिधर पॉसिबिलिटी है इंशाल्लाह मैं एक दो तीन सर्विस करवा रहा हूँ, जो जहाँ से भी पॉसिबिलिटी रहेगी आप लोगों को पहले इतला करूँगा इंशाल्लाह। सर एक आखिरी सवाल, पुलकेशी नगर के ही अहाते में आने वाले स्टेशन में आपको बुलाया गया था और पुलकेशी नगर में आपको जो है वहाँ पर जो है आप आपका ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो आप जैसे आपने कहा कि रियासती इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसी रीज़न है बावजूद इसके आपको क्यों टारगेट किया जा रहा है? नहीं क्योंकि ये मामला पुलिस डीजेहली पुलिस स्टेशन का रहा है इसीलिए मुझे बुलाया गया डीजेहली पुलिस स्टेशन को, वरना नहीं बुलाते। सो अगेन आई एम टेलिंग इट्स नॉट अबाउट द पुलिस, ये पॉलिटिक्स जो नहीं, क्योंकि मैं यहाँ 20 साल रहा हूँ 22 साल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे चाहते हैं, हर किसी से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, तो शायद इसलिए उनको अनइजीनेस फील होता है। जो भी उम्मीदवार हो गए उन्हें लगता है कि डिसाइड फैक्टर्स जो है आपके हाथ में है? नहीं, हमारे लोगों के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। ओके, जो भी डिसाइडिंग फैक्टर है हमारे लोगों के हाथ में है और जो लोग चाहेंगे वही होगा इंशाल्लाह। सर एनी मैसेज फॉर जो लोग आपसे चाहते हैं, लोगों के दिल में जो है खलबली मच चुकी है कि आपके जो है ट्रक पैरियर से संबंध है, क्या कहना चाहोगे? नहीं मैं यही कहना चाहूँगा कि ड्रग्स पेडलर्स जो हमने पिछले महीने में जो मुहिम चलाई ड्रग्स के ख़िलाफ़, तो हम कभी ना उनके साथ संबंध रहे हैं और ना संबंध रहेंगे। और फ्रेजरटाउन के जो हालात रहे 20-22 साल पहले, बहुत बदलने की हमने कोशिश की, पुलिस का हमने साथ दिया, जहाँ कहीं भी हमें मालूम हुआ कि कोई ड्रग पेडलिंग कर रहा है या इवन मेडिकल शॉप वाला इलीगल ड्रग्स कोई किसी को दे रहा है तो हम खुद जाकर उनको रोके हैं। तो कभी ज़िंदगी में सोचे नहीं, लोग जानते हैं जाकिर क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिक्र नहीं है। एक क्लैरिफिकेशन देना था तो मैं क्लैरिफिकेशन दिया हूँ आप लोगों को। सर कहीं ना कहीं लगता है इलेक्शन के नज़दीक आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप डर के पीछे हट जाएंगे? नहीं नहीं, जाकिर कभी ना डरा है ना डरेगा, अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे साथ हैं और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ज़ात से डरते हैं हम और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया सर, थैंक यू।